2020 में मोदी सरकार ने कई सारी चाइनीज ऐप्स को बैन किया, जिनमें टिकटॉक, रेडिट, एक्जेंडर जैसी काफी पॉपुलर एप्लीकेशन भी थी, जिन्होंने भारतीय बाजार पर अपनी काफी मजबूत पकड़ बना ली थी। देश के आगे बढ़ाने में सरकार के साथ साथ देश के लोगों का भी काफी ज्यादा योगदान रहता है। जब मोदी सरकार ने अपील की कि हम लोगों को चाइनीज ऐप्स और सामानों का बायकॉट करना चाहिए, तब से लोगों ने इनका बायकॉट किया और अपने स्वदेशी ऐप्स और अपने स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय बाजार में भारतीय इंडियन ऐप्स की हिस्सेदारी बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी ऐप्स की हिस्सेदारी 29% है, जबकि भारतीय ऐप्स की बाजार में हिस्सेदारी 40% है, जो चाइनीज ऐप से कई गुना ज्यादा है। रोपोसो ऐप, चिंगारी ऐप, एमएक्स टकाटक ऐप जैसे कई सारे शॉर्ट वीडियो ऐप ने भी भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। रोपोसो ऐप की पहुंच देश के 40% स्मार्टफोन तक है। और हाल ही में एक मुद्दा काफी वायरल हो रहा है, जिसमें ट्विटर एप्लीकेशन के स्थान पर एक स्वदेशी ऐप वो ऐप ट्रेंड करने लग गई है। तो हम सभी इंडियंस को अब विदेशी ऐप्स का बायकॉट करना चाहिए और अपने स्वदेशी ऐप्स को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश की इन ऐप्स का उपयोग करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी और हमारे देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा।